गेहूँ की पिसाई होती है बिल्कुल बिल्कुल, और एक अच्छे तरीके से गेहूँ की इसका पिसाई करने के लिए 15 HP कोई भी मोटर लगाते हैं चलने में कैपेबल है, बिल्कुल चलने में कूलिंग इसको मिले और मशीन लॉन्ग टाइम तक अच्छा से ध्यान से देखिएगा। गेहूँ जाने वाली जो यहाँ से रास्ता खुलना शुरू हो चुका है और यहाँ से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों आज एक फिर से आए हुए हैं गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन में। दोस्तों अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मशीनों का काफी विशाल रेंज है और यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों आप भी आसानी से यहाँ जुड़ करके बिजनेस करके काफी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज यहाँ के मैनेजर राहुल जी से मिलेंगे और ये आपको बताएंगे कि बिजनेस किस तरह से करना है और मिनिमम पूंजी से लगा करके कितना अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाएगा। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है सर। सबसे पहले हम चाहेंगे अपने इस कंपनी का नाम और इसका एड्रेस हमारे बिल्कुल क्षेत्र किसे बता दीजिए। मेरा इस कंपनी का नाम है गोकुल बिजनेस सोल्यूशन, जो की बिहार के मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच एक टूल टैक्स पड़ता है, उसी के नजदीक हमारा ये ऑफिस पड़ता है। गोकुल बिजनेस सोल्यूशन का मेन मोटिव है मशीन बेचना ही नहीं, मशीन को बेचने के साथ साथ उसका सोल्यूशन के साथ कस्टमर को सेटिस्फाइड करके ही माल बेचना, ये हमारा कंपनी का जो काम रहा है वो रहा है सर। आज के प्रॉपर वीडियो में क्या दिखाइएगा हमारे व्यूअर को? हमने कस्टमर सबको तो बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं। बिल्कुल पिछले वीडियो और तेल मिल दिखाया था, जी जी ढेर सारा प्यार दिया। जी जी तो बहुत सारे कस्टमर ने वो मशीन लिया भी है और सारे मशीन भी ले रहे हैं और सारी मशीन भी बिक रही है। ये भी मशीन हमारी बहुत अच्छी बिकती है। ये कौन सी मशीन है? ये मशीन को हम हैवी ड्यूटी के नाम से जानते हैं। हैवी ड्यूटी ना? जी ये हैवी ड्यूटी इस मशीन का नाम है। बिल्कुल इसमें 6x4 बीटर लगा हुआ है। बीटर ना, बीटर क्या होता है? ये बीटर बोलते हैं, बहुत आदमी इसको हैमर बोलते हैं, बीटर बोलते हैं, जिससे गेहूं की पिसाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक अच्छे तरीके से गेहूं की इसके पिसाई करने के लिए एक बढ़िया बीटर होना जरूरी है। जो कि बीटर का क्वालिटी होता है वो कास्टिंग का हमारा बना हुआ होता है। बिल्कुल बाहर में 6 और अंदर में 4 कास्टिंग होता है, उसके ऊपर दांत बना हुआ रहता है जिसमें वो बीटर के द्वारा जो गेहूं की पिटाई होती है उसके बाद उसमें ये आटा बनके या सत्तू बनाना है या फिर मैदा बनाना है, जो भी बनाना है वो बनता है इसमें। इसे क्या क्या पिसाई कर सकते हैं? इस मशीन से आप बेसन, सत्तू, आटा, मसाला भी पीस सकते हैं, जरूरत के हिसाब से ये मशीन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इस मशीन पर 7.5 HP, 10 HP, 15 HP कोई भी मोटर लगाते हैं चलने में कैपेबल है। इसमें प्लस पॉइंट एक और है कि 7.5 HP, 10 HP, 15 HP का मोटर लगाने इसके साथ साथ अगर कस्टमर चाहे तो इसको फाइन बेल्ट पे चाहे तो ट्रैक्टर के हिसाब से मतलब कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो पेडिशनल हमारा बना हुआ है, इस पेडिशनल में हमने ग्रीस और ऑयल का दोनों का सिस्टम दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये जो है ग्रीस ऑयल का सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये जो रहा इसमें गियर ऑयल 140 नंबर का गियर ऑयल डाला जाता है जिससे ये साफ जो है बिल्कुल चलने में कूलिंग इसको मिले और मशीन लॉन्ग टाइम तक अच्छा काम करे। बिल्कुल उसके बाद ये दोनों बेयरिंग के ऊपर हमारा ग्रीस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इससे ज्यादा बेयरिंग और भी स्मूथ चलेगी और बढ़िया चलेगी। ग्रीस ऑयल कितना डालना पड़ता है इसमें? ग्रीस वाल नहीं है, गियर वाल है। गियर वाल इसमें जो लेवल बना हुआ है बिल्कुल उसमें आप डालेंगे, दिखेगा दिखा है ना ये लेवल, वो लेवल तक ही उसमें डालना है और चलाना है। कितना इसमें आता है लगभग? इसमें 200 से 250 ग्राम के अंदर आ जाएगा। वो गियर वाल जलती है, धीरे धीरे दिखती भी है लोगों को, उसके हिसाब से चलती है। बिल्कुल इस मशीन का प्रोडक्शन बहुत सारे रिव्यू में भी आप लोग देखे होंगे, कहीं पे 100 किलो है, 120 किलो है, 150 किलो है, तो 10 HP पे ये मशीन सबसे ज्यादा चलती है। 10 HP ना? 10 HP पे ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्योंकि उसका लाइन का कनेक्शन हर कस्टमर को जल्दी प्रोवाइड मिल जाती है। बिल्कुल और 10 HP पे ये मशीन किसी के यहाँ 120 किलो तो कहीं 140 किलो तो कहीं पे 150 किलो निकालती है। हमारा जो कस्टमर है वो 100 से 120 किलो हम कस्टमर को बताते भी हैं और अभी भी 10 HP पे हम उतना ही बताते हैं। हमारा प्रोडक्ट कुछ भी हो 100 से 120 किलो प्रोडक्ट हम बताते हैं आटा का, क्योंकि आटा इतना नॉर्मली कोई भी इंसान चलाता है, नया हो, पुराना हो, बच्चा हो, कोई भी चला देगा तो उतना नॉर्मली निकल जाएगा। बाकी अगर एडजस्टिंग बढ़िया है मशीन का, क्योंकि ये मशीन को रखना होता है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मशीन अगर झुका हुआ रहेगा तो भी सही से नहीं चल पाएगा। बिल्कुल अगर अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा तभी प्रोडक्शन नहीं निकल पाएगा या फिर बिजली का कंजप्शन गलत होगा तब होगा। बाकी अगर मशीन सेट है तो आपका कितना भी बुरा आएगा तो 120 किलो से कम का प्रोडक्शन आटे का नहीं आने वाला है। अलाइनमेंट किस तरह से मिलाया जाएगा? अलाइनमेंट मिलाने के लिए मोटर का पुली और मशीन का पुली दोनों सेंटरलाइज होना चाहिए। दोनों का जो सेंटर है वो मिलना होना चाहिए। बिल्कुल नीचे मोटर का पुली जो लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल यही पे सेट होगा ना। ये मोटर का पुली है और यहाँ पर मशीन का पुली है। बिल्कुल ये दोनों का सेंटर जब मिलेगा, बिल्कुल अच्छा तरीके से मिलेगा तो अच्छा रनिंग करेगा और प्रोडक्शन बहुत अच्छा करेगा। अगर डेव हो जाएगा, अलाइनमेंट मिलेगा नहीं, थोड़ा भी मतलब आना तिरछा होगा तो वहां पे मशीन में वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उसके कारण मशीन का प्रोडक्शन कम बेसी होने लगता है। अच्छा ये इसमें ये क्या लगाया हुआ है जो नीचे लगा हुआ है? ये जो है इसी से हमारा गेहूं जो मशीन के चेंबर के अंदर पिसाई के लिए जाता है वो यही से खुलता है। इसको नचाने के माध्यम से ऊपर देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। गेहूं जाने वाली जो यहाँ से रास्ता खुलना शुरू हो चुका है और यहाँ से आपको
इस बॉक्स से पहले इस बॉक्स में आएगी, आपको नीचे पहले इस बॉक्स में जाएगी। बिल्कुल रहता है माने कि किस तरह का इंक्वायरी करते हैं, अगर कॉल वगैरह करते हैं कस्टमर। कस्टमर सब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी जो क्वालिटी पे कॉल करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रेट पे कॉल करते हैं। उन कस्टमर के लिए हमारे पास कहना है कि मशीन तो हम सब बेचते हैं, हमारे पास सारी मॉडल अवेलेबल है, बस क्वालिटी की बात है। जो कस्टमर अगर ना समझ पा रहे तो हमसे कॉल करके एक बार जरूर पूछे, ले ना ले वो अलग की बात, अलग की बात है। मशीन का पहले क्वालिटी जान ले फिर रेट पे बात करें। और बहुत सारे कस्टमर मोटर में भी आते हैं कि सर फलाने जगह कम में आते हैं मेरे, हमारे पास दोनों टाइप की है। गोकुल का मोटर सस्ता में दे देते हैं जो कि हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रम्पटन का मोटर है तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है क्योंकि वो होम सर्विस देती है। बाकी का प्रोडक्शन का बात है तो सेम टू सेम आने वाला है, मोटर में कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते या फिर मशीन के क्वालिटी में। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो बन चुका है क्वालिटी उसमें हम तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कस्टमर कहीं से भी ले रहे हैं मशीन के बारे में फुल सेटिस्फाइड होके ही ले, उससे कस्टमर को ही बेनिफिट होने वाला है। मशीन खरीदते समय 1000-2000 कम बेसी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो तो कस्टमर के हित में बिजनेस करने के लिए उनको मशीन अच्छी चाहिए होती है। वो अगर 10 रुपए कम बेसी के चक्कर में मशीन का क्वालिटी गलत ना ले ले, बस क्वालिटी खरीदे, कस्टमर से यही कहना चाहेंगे। आपके यहाँ डिलीवरी का क्या सुविधा है? बाकी मेरा ऑल इंडिया में कहीं से भी कस्टमर है, मशीन जो भी पसंद करते हैं, जो मशीन का MRP होता है उसका 20% अमाउंट हमारे कंपनी अकाउंट में जमा करा करके बाकी का 80% COD के माध्यम से अपने घर पे कस्टमर मंगा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मशीन जब उनके दरवाजे पहुंच रही है या फिर कोई भी मशीन जो वो परचेज करना चाह रहे हैं उनके दरवाजे पे जो लड़का इन टू इन पहुंचा के देगा, जो उनके दरवाजे पे मशीन उतार रहा है उस बंदे को कैश या गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। 20% बिफोर पहले पेमेंट करना होता है यहाँ पे तो कि हम यहाँ से माल भेज दे कस्टमर को। बिल्कुल। उसका सिस्टम है कि 20% अमाउंट जमा कराना है और आधार कार्ड अपना भेजना है कस्टमर को, उसी के एड्रेस के हिसाब से हमारा डिलीवरी हो जाता है। जाते थे हमें व्यूअर को क्या कहना चाहिएगा आप, जो लोग लेना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड जो लोग लेना चाहते हैं, बातों पर ध्यान रखेंगे लेते समय? जो भी कस्टमर है मशीन अगर लेना चाहते हैं तो मेनली मोटिव होना चाहिए उनको कि मशीन लेना नहीं है, मशीन लेके चला करके कुछ पैसे कमाना है। पैसे लगाना मेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसे अर्जित भी करना होता है। पैसा तो हर कोई लगाना चाहता है कि हम अच्छा पैसा लगा के अच्छा कमाई करें, तो अच्छा सामान लेंगे, अच्छा पैसा भी लगेगा तो अच्छा कमाई भी होगा। और बाकी कस्टमरों को जिनको भी रेट के बारे में क्वालिटी के बारे में वो हमारा नंबर डिस्प्ले पे आप दे दीजिएगा, हमसे कस्टमर कंसल्ट करेंगे। जो भी परेशानी होती है मेरे यहाँ से मशीन लेते हैं ना लेते हैं मैटर नहीं करता है, मेरे यहाँ से ना भी लिए हो और उनको मशीनरी के बारे में परेशानी हो रही है, जहाँ तक मुझे आता है मुझे समझ आएगा उसके बारे में हम उस कस्टमर को जरूर गाइड करेंगे और बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर कॉल करके बात करके आसानी से जान सकते हैं। आज तक मुझे इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए विचार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।